भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हुगली बासी देर के आमर नमस्कार जानाई। हुगली समस्त शक्ति स्वरूपा माँ बने देर आमार प्रणाम। यहां इतनी बड़ी संख्या में माताएं बहनें भी आई हैं। मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूं। साथियों, 2024 का ये चुनाव देश का नेतृत्व चुनने का चुनाव है और देश का आशीर्वाद सिर्फ और सिर्फ भाजपा के साथ है। देश का भरोसा, देश के आशीर्वाद भाजपा पर, कमल पर और मोदी पर है। देश ने 10 साल में देखा है कि मोदी की मजबूत सरकार ही देश हित में है, जनहित में है। भाइयों बहनों, 3 चरण के चुनाव पूरे हो चुके हैं। 4th चरण के चुनाव का मतदान कल होने वाला है। 3 चरण के चुनाव से मैं आज विश्वास से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और एनडीए 400 पार करके ही रहेंगे। अब 400 पार ये नारा नहीं है, ये 400 पार देश के कोटि कोटि लोगों का संकल्प बन गया है। और पहले 3 चरण में अभूतपूर्व समर्थन देने के लिए मैं सभी मतदाताओं का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। भाइयों बहनों, भाजपा एनडीए को तो 400 पार आप करा ही देंगे, लेकिन इस चुनाव में लिख के रखिए, ये कांग्रेस के जो शहजादे हैं ना, ये कांग्रेस के शहजादे, उनकी जितनी उम्र है कांग्रेस को उससे भी कम सीटें मिलने वाली है। साथियों, ये जो मूड है इससे साफ है कि आपने दमदार सरकार बनाई तो भारत का दम पूरी दुनिया में दिख रहा है। और तभी पश्चिम बंगाल का हर मतदाता कह रहा है, आभार एक बार, आभार एक बार, आभार एक बार।
आभार एक बार। भाइयों और बहनों, सामान्य तौर पर हमारे परिवार में जो बड़ा होता है उसकी इच्छा होती है कि वो मरने के बाद बच्चों को कोई तकलीफ न हो, बच्चे दुखी न हो, बच्चों मुसीबत में न पड़े, इसलिए परिवार का जो मुखिया होता है वो परिवार के बच्चों के लिए छोड़ करके कुछ जाना चाहता है। वो अपने वारिस को कुछ दे करके जाना चाहता है। लेकिन मोदी के वारिस कौन है भाई? मोदी के वारिस कौन है? मुझे किसके लिए छोड़ना है? मेरे वारिस तो आप सब मेरे देशवासी हैं, आप ही मेरा परिवार है, आप ही मेरे वारिस हैं। आपके अलावा इस दुनिया में मेरा कुछ भी नहीं है, और इसलिए मैं भी जैसे परिवार का मुखिया अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़कर के जाना चाहता है, वैसे मैं भी मेरे इस परिवार के सब बच्चों के लिए विकसित भारत बना करके उनके हाथ में देना चाहता हूं। विकसित भारत उनके हाथ में देकर के जाना चाहता हूं। वहीं दूसरी तरफ टीएमसी को देखिए और पार्टियों को देखिए, वो सारे के सारे लोग देश की जनता को, आपको लूटने में ही लगे हैं। ये अपने वारिसों के लिए बंगले बना रहे हैं, महल बना रहे हैं, तो मोदी भी तो कम नहीं है। अगर वो अपने वारिस के लिए बना रहे हैं तो मैं भी तो मेरे वारिस के लिए बना रहा हूं, और मैं मेरे वारिस के लिए क्या बना रहा हूं? अब तक मेरे वारिस गरीबों के 4 करोड़ पक्के घर बना दिए। मुझे वारिस को कुछ देना चाहिए ना, और 3 करोड़ पक्के घर और बनाने वाला हूं। मोदी हर घर जल मिशन चला रहा है। मोदी हर गरीब को मुफ्त राशन दे रहा है। मोदी अपनी बहनों को, बेटियों को उनका जीवन आसान बना रहा है। आज करोड़ों महिलाओं के पास उज्ज्वला का सस्ता सिलेंडर है। आज हर गर्भवती महिला को 6,000 रुपये की मदद मिलती है, ताकि उसके पोषण में कमी ना रहे, और गर्भ में जो बच्चा पल रहा है वो दुर्बल न हो। मोदी ने कामकाजी गर्भवती महिलाओं की छुट्टी भी बढ़ाकर 26 हफ्ते कर दी है। साथियों, अब मोदी
एक बहुत बड़ी गारंटी लेकर आया है। मोदी देश की 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाना चाहता है। स्वयं सहायता समूह से जुड़ी बहनों को हम नई नई ट्रेनिंग देकर आत्मनिर्भर बना रहे हैं। मैंने नमो ड्रोन दीदी योजना से बहनों को ड्रोन पायलट बनाने का काम भी शुरू किया है। इससे खेती में आप जैसी बहनें ड्रोन क्रांति की लीडर बन रही है। साथियों, बहनों की एक बड़ी चिंता बिजली के बिल के लेकर होती है। यहां दो सज्जन दो कोने में चित्र बना करके लाए हैं और कब से हाथ ऊपर करके खड़े हैं। आपका हाथ दुख को पेन होगा भैया, लेकिन आप इतने प्यार से लाए हैं और वो भी मेरी मां का चित्र बना के लाए हैं। और पश्चिम की दुनिया आज मदर्स डे मनाती है। हम भारत के लोग तो 365 दिन मां की भी पूजा करते हैं, दुर्गा मां की भी पूजा करते हैं, काली मां की भी पूजा करते हैं और भारत माता की भी पूजा करते हैं। मैं एसपीजी के लोगों को कहूंगा, ये दो सज्जन जो बना के लाए हैं, आप पीछे अपना नाम पता लिख लेना, मैं जरूर आपको चिट्ठी भेजने का प्रयास करूंगा। तुरंत तो नहीं होगा, थोड़े दिन के बाद करूंगा। तो एसपीजी के लोग ये दोनों मेरी मां की तस्वीर बना के लाए हैं, आप दोनों का मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एसपीजी के लोग आएंगे उनको दे देना। साथियों, मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है और ये आप जरूर सुनिए, मोदी आपके लिए एक ऐसी योजना लाया है जिसमें डबल मुनाफा है। बताइए, आपको ये डबल मुनाफे वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा वाली चीज चाहिए क्या? डबल मुनाफा बताऊं? मैं बताऊं क्या है? बताऊं? एक है मुनाफा क्या, तो मोदी आपकी बिजली का बिल जीरो करना चाहता है, जीरो। दूसरा, मोदी आपके बिजली बेच करके आप पैसे कमा सके, होम इंडस्ट्री चला सके, ऐसे डबल मुनाफे वाली स्कीम लेकर के आया है। और ये योजना का नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। ऑनलाइन रजिस्ट्री चालू है, आप लोग ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्री करवाना शुरू कर दीजिए। और योजना क्या है, मोदी सरकार आपको घर की छत के ऊपर सोलर पैनल लगाने के लिए 75,000 रुपीज 75,000 रुपया देगी।
फिर आप बिजली पैदा करेंगे, घर में जीरो बिल से उपयोग करेंगे, जो अतिरिक्त बिजली है वो बेच करके कमाई करेंगे, डबल मुनाफा हुआ कि नहीं हुआ, हुआ कि नहीं हुआ। और अगर कोई परिवार, मिडिल क्लास का परिवार, ट्रिपल मुनाफा लेना चाहता है तो भी मैं तैयार हूं। मैं बताऊं ट्रिपल मुनाफा कैसा, डबल मुनाफे के साथ साथ ट्रिपल मुनाफा। देखिए आज आपको स्कूटी में, स्कूटर में, कार में पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक व्हीकल है तो ये जो बिजली पैदा होगी ना घर में, उस बिजली से आप अपना स्कूटी, स्कूटर, मोटर, उसको चार्जिंग भी कर सकते हैं। और आप कलकत्ते में कहीं पर भी जाना है तो मुफ्त में आपका ट्रैवलिंग भी हो जाएगा, पेट्रोल का बिल भी जीरो हो जाएगा। साथियों, आप लोग मुझे बोलने दीजिए, मुझे परेशान मत कीजिए, आप लोग बैठिए, आप लोग बैठिए, प्लीज बैठिए आप। साथियों, विकास के लिए भाजपा के प्रयासों के बीच टीएमसी अपने काम में बिजी है। और उसके काम क्या है, टीएमसी का काम क्या है, टीएमसी के नेताओं का काम क्या है, गोंडो गोलो जोमी दखोल, गोंडो गोल ओ जोमी दखोल, यहां माफिया राज चल रहा है। मोदी कहता है हर घर जल, मोदी क्या कहता है हर घर जल, मोदी क्या कहता है आप जरा बोलिए, मोदी क्या कहता है, मोदी क्या कहता है। और टीएमसी कहती है हर घर बम, मोदी कहता है हर घर जल, और टीएमसी कहती है हर घर बम। कुछ दिन पहले ही एक बम फट गया और बच्चों का जीवन चला गया, माताओं बहनों बेटियों का तो यहां जीवन मुश्किल हो गया है। संदेश खाली में ये क्या कर रहे हैं ये पूरा देश देख रहा है। टीएमसी संदेश खाली में हर हथकंडा इस्तेमाल कर रही है, लेकिन मैं आप सभी को गारंटी देता हूं टीएमसी का कोई भी अत्याचारी, टीएमसी का कोई भी अत्याचारी बच नहीं पाएगा। साथियों, टीएमसी ने बंगाल के युवाओं के साथ विश्वासघात किया है। टीएमसी ने बंगाल के युवाओं का भविष्य बेच दिया है। टीएमसी ने बंगाल के माताओं के, बंगाल के बाप के, बंगाल के मां बाप के सपने बेच दिए हैं। टीएमसी के पेपर लीक और भर्ती माफिया ने सबको तबाह कर दिया है।
आज देखिए इनके बड़े बड़े नेता, इनके बड़े बड़े मंत्री और मुख्यमंत्री जी के खास सिपहसालार सारे के सारे जेल में पड़े हैं कि नहीं पड़े हैं। और मेरे बंगाल के भाइयों बहनों, पूरा देश चौंक गया, इनके नेताओं के घरों से नोटों के पहाड़ निकले हैं, पहाड़, रुपयों के पहाड़। इस विश्वासघात की आप टीएमसी को सजा देंगे कि नहीं देंगे, सजा देंगे कि नहीं देंगे, कड़ी से कड़ी सजा देंगे उनको, ये सजा बराबर की देंगे क्या? टीएमसी को बंगाल में एक भी सीट जीतने का हक है क्या? एक भी सीट जीतने का हक है क्या? उनकी सारी की सारी सीटें पराजित होगी कि सबको घर भेज देंगे क्या? भाइयों और बहनों, हमारे किसान हो, हमारे नौजवान हो, ये विकसित भारत की बहुत बड़ी ताकत है। पीएम किसान सम्मान निधि से करीब 350 करोड़ रुपए, 350 करोड़ रुपए हुगली जिले के किसानों के खाते में जमा हुए हैं। अब भाजपा ने आलू और प्याज किसानों के लिए बहुत बड़ी घोषणा की है। हम पूरे देश में इन सब्जियों के लिए विशेष क्लस्टर बनाने जा रहे हैं। इसका सीधा लाभ यहां के किसानों को होगा। साथियों, आज रेलवे को लेकर इतना काम हो रहा है, यहां देश की पहली अंडर वॉटर मेट्रो भी बन गई, अंडर वॉटर मेट्रो बन गई देश की पहली। यहां पोर्ट से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी मोदी भरपूर मदद दे रहा है, लेकिन यहां इन्वेस्टमेंट लाने के लिए, नौकरी लाने के लिए, भाइयों बहनों, ये टीएमसी वाले की कट कंपनी, कमीशन कंपनी रुकावटें पैदा करती हैं, उनको जरा सबक सिखाने के लिए चुनाव है। भाइयों बहनों, ये टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? टीएमसी को सबक सिखाने का काम कौन करेगा? ये काम आपका एक वोट करेगा। आपका वोट टीएमसी को सीधा करने की ताकत रखता है, और टीएमसी को सीधा करने की एटा मोदी गारंटी। भाइयों और बहनों, किसी जमाने में ये जूट की राजधानी, उद्योगों की राजधानी थी, लेकिन पहले कांग्रेस, वाम और फिर टीएमसी ने मिलकर सब तबाह कर दिया। आज भाजपा
मेक इन इंडिया पर बल दे रही है, लेकिन टीएमसी ब्रेक इन इंडिया का नारा लगा रही है। टीएमसी समाज को तोड़ रही है, टीएमसी कानून को तोड़ रही है, टीएमसी एकता को तोड़ रही है। साथियों, ये धरती रामकृष्ण परमहंस और लाहिड़ी महाशय के व्यक्तित्व से प्रेरणा पाती है, लेकिन तुष्टीकरण की जीत में कांग्रेस और टीएमसी जैसी पार्टियां आपकी भावनाओं की भी परवाह नहीं करते। ये कैसी पार्टियां हैं आप कल्पना कर सकते हैं क्या? ये दल इतने वोट के भूखे हैं, इतने सत्ता के भूखे हैं और वोट बैंक से इतने दबे हुए हैं कि लोग राम मंदिर बनने से भी बहुत गुस्से में हैं। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। राम मंदिर बना, इनकी नींद उड़ गई है। आए दिन ऐसा अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन लोगों ने राम मंदिर का भी बहिष्कार किया हुआ है। अरे 500 साल तक जिस राम मंदिर के लिए हम सबके पूर्वजों ने संघर्ष किया, हमारे पूर्वजों की आत्मा ये आपके कारनामे देख रही है। और ये टीएमसी कांग्रेस वाले कम से कम आपके पूर्वजों के त्याग तपस्या बलिदान उसका तो अपमान मत करो। अपने ही देश की विरासत का बहिष्कार, भगवान राम का बहिष्कार, ये बंगाल की संस्कृति नहीं है। मेरा बंगाल ऐसा नहीं है। मां माटी मानुष की बात करने वाली पार्टी आज वोट बैंक के लिए बंगाल का भी अपमान कर रही है और अपनी विरासत का भी अपमान कर रही है। साथियों, ये चुनाव पश्चिम बंगाल समेत पूरे देश का भविष्य तय करेगा। इस चुनाव में ये बहुत महत्वपूर्ण है कि आपका कीमती वोट बर्बाद ना हो। टीएमसी आज जितनी सीट पर लड़ ही नहीं रही कि वो सरकार तो क्या विपक्ष में भी कुछ नहीं कर सकती है, कांग्रेस या लेफ्ट को वोट देने से भी आपका वोट बर्बादी होगा। सिर्फ बीजेपी को दिया आपका वोट, देश में एक मजबूत स्थिर सरकार बना सकता है। इसलिए हुगली से बहन लोकेट चटर्जी और श्रीरामपुर से हमारे साथी कबीर शंकर बोस, इन दोनों को रिकॉर्ड वोटों से जिताना है। ज्यादा से ज्यादा मतदान कराएंगे,
सबके सब पोलिंग बूथ जीतेंगे, दोनों लोकसभा जीत करके कमल मुझे भेजेंगे, आप जब इनको वोट देंगे ना तो वोट सीधा सीधा मोदी के खाते में जाएगा। अच्छा मेरा एक काम करेंगे, मेरा पर्सनल काम है, करेंगे ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताओ तो बोलूं, करेंगे मेरा एक काम करेंगे, पक्का करेंगे। देखिए आप ज्यादा से ज्यादा घरों में जाइएगा, ज्यादा से ज्यादा परिवारों में जाइएगा और परिवार के सबको बिठाकर कहिएगा कि अपने मोदी जी आए थे और मोदी जी ने आपको जय श्री राम कहा है। मेरा जय श्री राम पहुंचा देंगे, पहुंचा देंगे। अगर यहां एसपीजी वाले हैं तो ये दो तीन माताएं बहनें कुछ तस्वीर ले आई है, जरा ले लीजिए उनके पास से। ये हमारी माताएं बहनें कब से परेशान हो रही है और मुझे भी परेशान करती है। मैं आपका बहुत आभारी हूं, आपने इतनी मेहनत करके चीजें बनाई है, जरूर मेरे साथी आपसे ले लेंगे, आपसे कलेक्ट कर लेंगे और मुझे पहुंच जाएगा। सबके पास जो भी है ले लीजिए भैया। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद।